तीनों के लिए बस एक छोटा सा सवाल। एक चीज मैं बोलूंगा, आपको सिर्फ दो बार बोलना है, अगर आपने बोला तो आप आज के विनर, ठीक है? सिर्फ दो बार बोलना है। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, पूंछ ऊंची ऊंट की। ऊंट ऊंची, पूंट ऊंची, पीठ ऊंची, ऊंट की पूंछ ऊंची। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, पूंछ ऊंची ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की पीठ, ऊंट की पूंछ। एक बार और, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, पूंछ ऊंची ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की पूंछ ऊंची ऊंट की। एक बार जोरदार ताली, एक बार आपके तरफ से, एक बार आपके तरफ। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची। एक बार और। ऊंट उठ गया, पूरा उठ गया। सर आप आ गया जी, आपका नाम सर? देवीदास ढावड़े। देवीदास जी, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, पूंछ ऊंची ऊंट की। ऊंट ऊंचा, पूंछ ऊंची। एक बार फिर से एक बार सबके लिए। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, पूंछ ऊंची ऊंट की। एक बार मिलके बोले, ऊंट ऊंचा, जोर से, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, पूंछ ऊंची ऊंट की। अब बोलिए, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की पीछे ऊंची। एक बार सर आपके तरफ से। इनका ऊंट उड़ गया सर, आप इनका भी उड़ गया सर, आप ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की पीछ उठी। सर ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ उठी, ऊंट की पूछ उठी, ऊंट ऊंचा। इन्होंने ऊंट का सब ऊंचा कर दिया। सर आपके तरफ से। सर ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूछ उठती। ऐसा सर। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सर, लेकिन दो बार बोलना लगातार, ठीक है? ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूछ उठती। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूछ उठती। ऊंट ऊंचा, ऊंट की ऊंट, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूछ उठती। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट। जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए प्लीज। एक जो हमने गिफ्ट पैक है वो लेके आ जाइए, लेके आ, प्लीज प्लीज इधर दीजिए। इमरान शेख से गुजारिश है कि प्लीज एक छोटा सा तोहफा एमबी सेन और नागपुर मेट्रो समाचार की तरफ से जोरदार तालियां बजा दीजिए प्लीज। एवरीवन क्या बात है? उठ के पीछ उठी, उठ उठे पीछ की। सर एक बार और, उठ ऊंचा, उठ के पीछ उठी, उठ के पीछ उठी। सर पूरा उठ उठ गया। सर आपके लिए ऊंच उठा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की पूंछ ऊंची। जम गए सर? जो भी जमा, बड़ा अच्छा जमा सर, बड़े क्यूट लग रहे थे आप, जोरदार ताली बजी थी यार सर, बहुत ही क्यूट। सर एक बार आप ट्राई करोगे? ऊंट उठी, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट उठी, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट उठी, ऊंट की पीठ ऊंची। सर ऊंट का सब उठ गया। सर आपका नाम? आपको मैं बनाता हूँ। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, पूंछ ऊंची ऊंट की। ऊंट ऊंचा, पीठ ऊंची, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की पूंछ ऊंची। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, पूंछ ऊंची ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, पूंछ ऊंची ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ उठती। सर लगातार दो बार बोला था, लेकिन सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन सर आपने बोला। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, बहुत ही कमाल की बात। अरे अरे जितने भी लोग हैं, अरे आइए आइए ताली। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ उठी ऊंची, ऊंची ऊंट। नहीं नहीं सर, कोशिश करेंगे। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, पूंछ ऊंची ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ उठी, ऊंट की पीठ ऊंची, उठी पीछ, उठी पूछ ऊंट की। सर जैसा भी बोला, बड़े कमाल के लग रहे थे आप, जोरदार ताली बजा दीजिए इनके। सर से 10 कितने बार निकाल सकते हैं? हाथ खड़े करना है, आंसर है। हम 100 में से 10 कितने बार निकाल सकते हैं?
सौ में से दस कितने बार निकाल सकते हैं आपको आपको पता है? दस बार। एक बार जोरदार ताली बज दीजिए गलत आंसर के लिए। गलत आंसर है ये। अच्छा सौ में से दस कितने बार निकाल सकते आप बताओ सर। आप क्या ग्रेजुएशन कितना है अपना? ग्रेजुएशन है बोला। ग्रेजुएशन है। सौ में से दस डिग्री विग्री कहाँ है सर? सर वहां जितने लोग देख रहे हैं आप में से कोई हाथ ऐसा नहीं? यहाँ से पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दो, सुबह गार्डन में घूम रहे हो। क्योंकि जो अबव 50 है वो वहां खड़े हैं और जो अंडर 30 है वो बैठे हुए हैं। हाँ जी, 100 में से हम 10 कितने बार निकाल सकते हैं? इन्होंने कहा 2 बार। इनके लिए जोरदार तालियां क्योंकि वो भी गलत आंसर है। सर आप में से कोई भी नहीं? हाँ एग्जैक्टली सही बताएगी। सर 100 में से 10 कितने बार निकाल सकते हैं? ओनली वंस। क्या बात है, जोरदार ताली बजाइए। बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि 100 में से 10 आप एक ही बार निकालोगे, उसके बाद आपको 90 में से निकालना पड़ेगा। सर आपके लिए छोटा सा तोहफा, नागपुर मेट्रो समाचार और हमारे से जोरदार ताली बजाइए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। नागपुर से। ऑर्गेनाइजिंग स्मॉल काइंड ऑफ इवेंट। भैया मैं सिर्फ दिखता गंदा हुआ। आपका नाम? समीक्षा बारेवार। समीक्षा जी बताइए कि खाली पेट हम कितने रसगुल्ले खा सकते हैं? सबकी कैपेसिटी अलग होती है। आपकी कैपेसिटी कितनी है? 10। बुक्कर। लेकिन आंसर बिल्कुल गलत है। जोरदार तालियां बजा दीजिए। यहाँ से कोई खाली पेट कितने रसगुल्ले खा सकते हैं? खाली पेट हम एक ही रसगुल्ला खा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारे पेट में कुछ ना कुछ तो रहेगा। जोरदार ताली बजनी चाहिए। सर एक छोटा सा तोहफा आपके लिए, प्लीज देखिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत सही, बहुत खूब। मेरी टीम से किसी ने हाथ खड़े नहीं किया, ये सब फेल हो रहे हैं। इसलिए इन्होंने मीडिया खोल के बैठ गए। कहां से पैसे कमाए बोले। ओके ये बताइए कि छोटी एबीसीडी सबको आती है, छोटी एबीसीडी बड़ी एबीसीडी से कितनी छोटी है? छोटी एबीसीडी बड़ी एबीसीडी से कितनी छोटी है? 5 साल। भैया मेरी उम्र 10 साल। इनसे आधी है एबीसीडी। ये कहते हैं सेम है। कोई 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 आंसर बताएगा, छोटी एबीसीडी बड़ी एबीसीडी से कितनी छोटी है? मैम आप 1 साल। इनके हिसाब से छोटी एबीसीडी बड़ी एबीसीडी से 1 साल छोटी है, उसकी आधी है। चलो ठीक है। और कोई और आंसर? क्या बात है सर, आंसर बताइए। कोई 3 लाइन में से 2 लाइन बताते हैं वो। बड़ी एबीसीडी हम 4 लाइंस में लिखते हैं और छोटी एबीसीडी हम 2 लाइंस में लिखते हैं, तो 2 लाइन छोटी है छोटी एबीसीडी। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। सर आपका नाम? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। प्लीज थोड़ी कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी तो आए हो, अभी तो ये मेरा प्रेम पात्र पढ़ कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है, तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है। तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पात्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। कहाँ आज के जमाने की मोहब्बत और कहाँ तब की मोहब्बत, क्या बात है। जोरदार ताली बजी थी सर। बहुत बेसुरा गाना है, सबने सुरताल लगा लिया। क्या बात है सर, अब मजा आएगा थोड़ा सा। दोनों कैमरे फोकस कर दो यहीं पे। नन्ना मुन्ना राय हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय भारत।
एक बार जोरदार ताली दो, दो जीत चाहिए, दो जीत चाहिए, मैम आप आ जाइए, और सर आप भी, सर आप भी, अरे सर नन्ना मुन्ना राई हूँ मैं देश का सिपाही, आपने तो बेसुरा गाना गाया है। नागपुर मेट्रो समाचार की तरफ से, और ये भी इन बी सी एन और नागपुर मेट्रो समाचार के, जोरदार ताली बजनी चाहिए सबके तरफ से। थैंक यू सर। और एक सवाल है, ए लड़का भाई आपका नाम, ये बहुत टैलेंटेड है भाई, इसको कोई नहीं रोक सकता, अरे इसके लिए गिफ्ट लाइए सर, भले ये सीनियर सिटीजन का है लेकिन ये लड़का डिजर्व करता है भाई, आपको जोरदार ताली बज दीजिए भाई, इसमें बस चाय पीना और दिन में तीन बार बोलना एन बी सी एन जिंदाबाद, नेशनल मेट्रो समाचार जिंदाबाद। अच्छा यानी अपना एंटरटेनमेंट होता है और अपने शरीर भी अच्छा रहता है उससे, गार्डन यानी एक अमृत है। क्या बात है, क्या ताली हुआ नहीं बजाओगे, गार्डन यानी अमृत है और अमृत अमृत जैसा ही काम। बीसी न्यूज चैनल और नागपुर मेट्रो समाचार के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। मैम आप बताइए आप कहाँ से आई हो, क्या कहना चाहोगी? ट्विंकल जी एक दो लाइन गा दीजिए, नाम ट्विंकल है तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, शर्मा ने नहीं जो बात नहीं करते अगर हमसे जुड़ जाते हैं तो वे बात करना शुरू कर देते। सर आप बताइए, आपने मैंने आपको देखा क्या, आपको एक लाइन गाना गुन बना दीजिए। हाँ तब इतने सारे दर्शक नहीं थे। जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया प्यार में ही हो गया, जिंदगी उसी की है, जिंदगी उसी की है जो किसी के प्यार में खो गया है। हमें प्यार में खोना है और हमें अपना शरीर अपना स्वास्थ्य भी मजबूत करना है। क्या नाम है तुझे? उमा, कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने राउंड मारे हो आज? मैं अभी मतलब आखाड़े से आई हूँ। ओह आखाड़े से आई हो, जोरदार एक बार तालियां बजा दीजिए क्योंकि भारत का परचम ऐसे हमारे नौजवान साथी लहराते रहते हैं। रोज म्हणजे मी साडेपाच पावणे सहा आमचा सुरू व्हायचा, 50 लोकांचा ग्रुप आहे आमचा, आता सगळे काही घर जोडून गेले, काही वर गेले, काही आपण सगळे आमचे म्हणजे सगळ्यांना सिनियर सिटीजन तमाम टीम आप देख रहे हो और ये नागपूर मेट्रो समाचार बीसीएन न्यूज चैनल इनके संयुक्त तत्वावधान में यानी मेट्रो स्मार्ट सिटीजन क्लब ये आपके लिए बहुत कुछ कामकाज करने वाला है। हम अक्सर सभी का इंटरव्यू बातचीत किए, अब हम अपने स्टाफ के पास इसलिए जाते हैं कि वे क्या काम करते हैं। सबसे पहले इमरान शेख जी के पास जाऊंगा जो कि बीसीएन के डायरेक्टर है। इमरान जी ये बताएं कि ये जो पूरा कामकाज है, ये कार्यक्रम लेने के पीछे का उद्देश्य क्या था? पिछले कई सालों से हम कहीं ना कहीं सीनियर सिटीजन और स्मार्ट सिटीजन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करने की हमारी तमन्ना थी। अब पिछले 1.5 साल से हमारा नागपुर मेट्रो समाचार और पिछले 25 वर्षों से बीसीएन न्यूज़ नागपुर में प्रसारित होता है, तो हमने सोचा कि हमारा हम नागपुरवासियों को, नागपुर के विदर्भवासियों को हमारा परिवार समझते हैं, हमने सोचा कि इस परिवार को एक करने का जिम्मा और उनके लिए कुछ ना कुछ करने की उमंग हमारे टीम में है। हमने हमेशा से छोटे छोटे जब इवेंट हम शुरू किए तब इवेंट में हमने देखते थे कि कुछ लोगों को कुछ ज़रूरतें होती है वो उन तक पहुंच नहीं पाती है, तो इस माध्यम से हम अपना एक क्लब बना के नागपुर मेट्रो समाचार सीनियर सिटीजन क्लब बनवा के उनको हमारे साथ जोड़ के उनकी समस्या जान के, उनके प्रॉब्लम जान के, उनके लिए सेवा दे के इस ग्रुप को आगे बढ़ाने की हमारी मंशा है। हम चाहते हैं कि कई और कोई जो लोग हैं हमसे जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल जुड़े, और इसके जगह हम हमारी आशा है कि इस साल हम लाखों लोगों को जोड़ता अपने ग्रुप में। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हॉस्पिटल हो तो कामकाज भी होता है, काम करने वाले के लिए होश की होती है, जो काम नहीं करना चाहता उसके लिए अंधेरा होता है, अंधेरा हमारे डिक्शनरी में ये शब्द ही नहीं है। आइए मैं यहाँ यहीं से शुरुआत करता हूँ। बीसीएन न्यूज चैनल की एंकर और रिपोर्टर क्षितिजा देशमुख के समय में, क्षितिजा मैम ये बताइए कि जिस तरह से आप जब महिलाओं से मिली, महिलाओं की क्या प्रतिक्रियाएँ थी?
सर ने तो अभी सब कुछ बात बता दी है, महिलाओं का भी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, सभी के लिए एक ग्रुप है, ये क्लब बनाया जा रहा है, तो इसमें सभी जुड़िए बस। बिल्कुल इसे सब जुड़िए, ऐसा कहना है। खुबे जो हमारे साथ में हैं और काफ़ी अच्छा बेहतरीन का काम करता है सर, जब आप फील्ड पे रहते हो, मतलब इस स्मार्ट सिटीजन क्लब की जब प्रचार प्रसार करते हो, कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है, हमारे लाइफ में करने की इच्छा भी होती है, आपके माध्यम से, अपने माध्यम से। थैंक यू। बिल्कुल, अब हम चलते हैं हमारे पीसीएम न्यूज चैनल के तेज तर्रार बेहतरीन से एंकर रत्नाकर मुरली सर, जो कि अंग्रेजी समाचार भी बखूबी के साथ पढ़ते हैं, काफ़ी टीआरपी है, लोगों को काफ़ी पसंद आता है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि बीसीएन न्यूज चैनल पिछले 27 वर्षों से लगातार इस मीडिया इंडस्ट्री में कामकाज कर रही है और अब तक के लाखों के ऊपर में न्यूज़ बन चुकी है और नए एक्सपेरिमेंट भी करते हुए नजर आ रही है। रत्नाकर जी, क्या कहना चाहूँगे, जब आप यहाँ के लोगों से जब रूबरू होते हो, क्या उनकी अपनी प्रतिक्रियाएँ होती है अपने इस क्लब को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद संजय मेरे जी। मैं एक बात इसके पहले कहना चाहूँगा कि कौन कहता है कि सपने सच नहीं होते, सपने सच ज़रूर होते हैं, ज़रूरत है उन सपनों को देखने की और सुबह उठने के बाद उन सपनों को सच करने के लिए प्रयास करने की। ऐसा एक सपना इन विषय ने देखा जो अब मेट्रो स्मार्ट सिटीजन क्लब के नाम से यहाँ पर एक उजागर हो गया है। हम सब में एक स्मार्टनेस होता है, वो स्मार्टनेस सिर्फ चेहरे का नहीं होता, हमारे अंदर की जो स्मार्टनेस है उसको एक प्लेटफॉर्म मिले, उसको एक चालना मिले, इसलिए हमने ये मेट्रो स्मार्ट सिटीजन क्लब की स्थापना की, जिसमें आपके अंदर के टैलेंट को भी साल भर कुछ ना कुछ एक मंच मिलता रहे, आप उसको लोगों को दिखा पाएँ। हमारे पास में मीडिया है, मीडिया के माध्यम से आप अपने टैलेंट्स को दिखा सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी सुविधाएँ जो है आपको मेट्रो स्मार्ट सिटीजन क्लब के माध्यम से मिल गई। हम आह्वान भी करता हूँ इस वक्त कि हम सब जो दर्शक देख रहे हैं वो इस क्लब से जरूर जुड़े और कुछ वैल्यू एडिशन भी दें, ताकि हम इस मेट्रो स्मार्ट सिटीजन क्लब का जो एक छोटा सा पौधा लगाने की बात हम लोग करें, तो इसका एक वटवृक्ष हो और इसकी छाया में कई लोग एक जो है सुकून की जिंदगी जी सके। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात इन्होंने फरमाया। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी का स्वागत। मैं फिर से एक बार जो हमारे बहुत कामकाज कर रही है उन टीम को याद बुलाना चाहूँगा, प्लीज जल्दी आइएगा। ये सिर्फ मान के लिए नहीं, सभी के लिए था। हेलो, सबको मैं बता रहा हूँ, डिस्टेंस का प्लीज कम फास्ट खड़ा रहो। चलो, अब हम अब तक हमने देखा कि जब भी कुछ ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स इस क्लब के माध्यम से होते हैं तो सबको गुदगुदाने का काम हो या फिर हंसी के फवारे हो या फिर ऐसे बात कि जिससे रोम रोम में एक लहर सी दौड़ जाए, और ये जो बखूबी के साथ कामकाज करते हैं और लोगों का दिल चाहे गेम हो या अन्य कुछ बातों से जो जीत लेते हैं, ऐसे हमारे बीसीएम के बेहतरीन से तेज तर्रार एंकर मान। चलिए आइए मान के पास चलते। मान जी, ये बताइए, जब आप इस क्लब के बारे में लोगों से जन जागृति अलग अलग प्रकार की जाती है, आप कुछ बेहतरीन अंदाज में गेम के माध्यम से करते हो, लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है, कैसा महसूस करते हो? ऑफकोर्स मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। बात यह है कि मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तब कोई ऐसा क्लब बनाएगा या नहीं बनाएगा। मैं लोगों को हंसा रहा हूँ, तब कोई एंकर होना चाहिए, कहते हैं ना वो मुझसे बेहतर कोई कल आएगा, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि कल कोई हम भी जब बूढ़े, हाँ कल जब मैं रत्नाकर जैसा बूढ़ा हो जाऊँ तो मेरे को भी कोई ऐसा हंसाने वाला रहे। वैसे हमारे रत्नाकर सर सिर्फ 18 साल के हैं और मेरे जी हमारे सिर्फ 17 साल के हैं, ये न्यू बॉर्न बेबी है, बाल भी नहीं है उनको अभी तक, प्रोसेस चालू है, तो अभी एकदम न्यू बॉर्न बेबी है। बस ऐसे ही हमारी टीम चलती रहती है, काम करती रहती है, सीनियर्स का हमें खासकर सपोर्ट होता है हमेशा, तो बस उम्मीद करते हैं कि हम ऐसे आगे बढ़ते रहे और आपका प्यार आशीर्वाद मिलते रहे और हम आसमान की ऊंचाइयों को छूते रह सकें। बिल्कुल, कहते हैं कि यूं ही कभी किसी की तारीफ नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बीसीएन न्यूज चैनल और नागपुर मेट्रो समाचार की जानिब से मेट्रो स्मार्ट सिटीजन क्लब ये अपने आप में एक है और आप देख रहे हैं कि इस समय में दत्तात्रेय नगर के गार्डन में हमारी टीम पिछले 4-5 दिनों से लगातार कामकाज कर रही है। शहर के अलग अलग बगीचों में जाकर, गार्डन में जाकर वहाँ के लोगों को सभासद बनाकर उनको कुछ अच्छा देने के लिए ये कार्यक्रम लिया जा रहा है। इस समय में हमारे साथ में बीसीएन न्यूज चैनल के एंकर दिशा हटवार है, उनसे जानना चाहेंगे, कद में भली छोटी हो मगर कामकाज बहुत बड़े है। दिशा, कैसा लगता है आपको जब आप यहाँ पे महिलाओं से रूबरू होती हो, क्या महिलाओं का क्या कहना होता है और कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है इस काम के लिए?
इस काम के लिए जब स्टार्टिंग से मैं यहाँ पे हूँ, फर्स्ट डे से यहाँ पे हूँ, तो जब भी मैं महिलाओं से मिली हूँ, उनकी एनर्जी, उनका एंथुजियाज्म मैंने बहुत अच्छे से देखा है। और हमारा यही सपना है कि हम लोगों को इस माध्यम से और जोड़े। और जैसा रत्नाकर सर ने कहा कि ये हमारा सपना है, तो हाँ, ये हमारा सपना है कि इस क्लब के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों को जोड़े, हम साथ में दुख बांटे, सुख बांटे, मस्ती करें, एंजॉय करें, और बस हम यही चाहते हैं। तो मैं सबसे आह्वान करना चाहूँगी कि इससे जितने ज़्यादा लोग हो सकते हैं वो जल्द से जल्द जुड़े। बिल्कुल, जल्द से जल्द जुड़ने की अपील की गई है। यदि आप घर में भी बैठ के ये प्रोग्राम सुन रहे हो, और जिन्होंने अभी भी अपने टीवी सेट्स शुरू किया है, मैं उन्हें भी बता दूं कि मेट्रो स्मार्ट क्लब की स्थापना के माध्यम से ये कार्यक्रम लिया जा रहा है। बहुत अच्छा सभी का रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि शहर की जनता का प्यार जब तक हमें नहीं मिलेगा, हम पूरा नहीं होंगे अपने आप में इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए। आइए, इस उपक्रम में, इस कामकाज में कई ऐसे काम करने वाले, कई ऐसे हैंड्स हैं जो कैमरे के सामने में रहते हैं, जो कुछ कैमरे के पीछे में भी रहते हैं। और हमारी टीम की खासियत ये है कि सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं। ऐसी हमारी प्रियांशी इस समय में है। प्रियांशी का खास काम ये होता है कि लोगों से बातचीत करना, उनकी मेंबरशिप लेना। प्रियांशी, मेंबरशिप लेने के लिए आप उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स या क्या क्या कंडीशन बताती हो? मेंबरशिप के लिए हमारे पास एक फॉर्म होता है जिसमें 99 रुपीज़ की फीस वगैरह कुछ है। और जब आप ज्वाइन करते हैं तो हमारे मेंबरशिप में काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। जैसे आप जब ज्वाइन करते हैं तो किट वगैरह मिलती है, और साथ ही साथ हम लोग इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं। PCL न्यूज़ और नागपुर मेट्रो समाचार के जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें मेंबर्स को एंट्री फ्री होती है। और साथ ही साथ हम लोग ट्रिप्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तीर्थ यात्रा ऑर्गेनाइज़ करते हैं। आप जब भी हमारे साथ ज्वाइन होंगे, जो भी हमारे मेंबर्स होंगे, उनका हम बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह करते हैं। और साथ ही साथ आपको बहुत सारा एंटरटेनमेंट और बहुत सारी मस्ती मिलेगी हमारे साथ। तो आइए और ज्वाइन होइए हमारे मेट्रो स्मार्ट सिटीजन क्लब में। आपको सूरज की हर किरण रोशनी दे, आपको देने को तो हम कुछ नहीं दे सकते, ऊपर वाला ढेर सारा प्यार दे आपको, ढेर सारा प्यार दे आपको। और इसी प्रकार से आप BCN न्यूज चैनल के साथ में बने रहे और यह कार्यक्रम देखते रहे। नमस्कार, मुझे दीजिए इजाजत।